awesome TV पे. I'm feeling very awesome after watching Buster. Really telling you guys, सच में अदा की acting भी awesome थी, story भी awesome थी, लेकिन जो कहानी इतनी लंबी कर दी है उस पर मुझे थोड़ी सी नाराज़गी है सुदीप्तों से. आई लव यू सर. आई हैव यू नो गॉट टू नो कि आपने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, लेकिन अगेन मैं आपका पक्ष जो है वो समझ सकता हूँ कि जब आपका खुद का काम होता है तो कट करना आपके लिए मुश्किल होता है बहुत ज़्यादा, कि आपको कैसे शॉर्ट एंड क्रिस्प करना है. वो छोटी सी डिमांड है कि छोटा सा अगर भी क्रिस्प कर देते तो और मज़ा जो है वो बढ़ जाता. दैट्स ऑल. अदा के अलावा जितनी भी स्टार कास्ट है उन्होंने बहुत अपनी अच्छे से भूमिकाएं निभाई हैं. आई मस्ट टेल यू, एक एक कैरेक्टर ने अपने आप को काम करते हुए दिखाया है और वो सब कुछ स्क्रीन तक आया है, ये बहुत बड़ी बात है. नहीं, मुझे लगता है एक सच्चाई वाली फिल्म है, जो कि मस्ट टच्ड टॉपिक मुद्दा थी जो विपुल जी ने और सुदीप्त जी ने किया है. उनकी चॉइस फॉर अदा इज़ ऑल्सो वंडरफुल दैट वी कम अक्रॉस की अदा ही करेगी फिल्म. यही कि आप ज़रूर आएँ, इट्स अ मस्ट वॉच फिल्म अगर आप मोटिवेटेड रहना चाहते हैं और अगर आपको समझना है कि ज़िंदगी जब आपके पीछे पड़ जाए उसके बावजूद आप अपने आपके कामों से पीछे ना हटें, तमाम चीज़ें आपको इस फिल्म से सीखने को मिलेगी. यू शुड कम एंड नो दैट. 3.5 एडिंग अनदर हाफ फॉर अदा, इट्स अ 4 out of 5. मुझे कुछ ज़्यादा ग्रेट नहीं लगा मूवी, इट वॉज ओके. मतलब इससे और अच्छी मूवी बन सकती थी, बिकॉज कहीं ना कहीं वो ऐसा लग रहा था कि ये लोग ने केरला स्टोरीज़ का कॉपी करने की कोशिश की, या फिर वो हाइप जो था केरला का तो उनको लगा कि अगर वैसे टाइप की फिल्म बनाएगी तो हिट होगी, बट नॉट अप टू द मार्क. सॉरी, अदा की एक्टिंग ऑब्वियसली अच्छी है, बिकॉज ये एज में ऐसा एक्टिंग करना इट्स लाइक कमेंडेबल. बहुत अच्छा एक्टिंग किया, मुझे अच्छा लगा पर्सनली. ओके था, जेन्युइनली बोल रही हूँ, ओके था. वो तो उनके ऊपर है, बिकॉज अब मैं कहूँगी कि बहुत से लोग ऐसे ऑडियंस होते हैं जिनको ऐसे टाइप की फिल्म्स अच्छी लगती है, तो ऑब्वियसली उनको देखना चाहिए. मैं कोई मतलब मैं कौन हूँ बोलने वाली कि आप देखो ना देखो. मेरा पर्सपेक्टिव था कि मुझे ओके लगा, बट आप लोगों का क्या राय है वो मैं नहीं कह सकती, कि इट्स लाइक देखना है देख सकते हैं. 2 stars. सच बोलूँगा फिल्म बहुत अच्छी हो सकती थी, बहुत कुछ था उनके पास एक्सप्लोर करने के लिए, बट नहीं कर पाए कहीं ना कहीं, ऐसा फील हुआ. 2 घंटे की इन्होंने टाइट रखने की कोशिश की, बट वो भी लंबा ही लगा कहीं ना कहीं. स्टोरी का प्लॉट वही तो बोल रहा, बहुत कुछ एक साथ डालने का कोशिश किया, लाइक कहीं ना कहीं कम्युनिज्म रख रहा है, कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है, कहीं ना कहीं विलेजर्स को सामने रखा है, कहीं ना कहीं सिचुएशन जो भी है वो दिखाने की कोशिश की, बट सब कुछ एक साथ ऐसे मिल के ऐसा लग रहा है नहीं जमा. दे एक्चुअली हैड अ गुड कास्ट, कुड हैव यूटिलाइज देम बेटर. प्रोपेगेंडा का क्वेश्चन आई एम नॉट द वन टू आंसर, मैं सिर्फ फिल्म देखता हूँ, अच्छी लगी तो ठीक, नहीं तो नहीं. प्रोपेगेंडा इज़ नॉट माई कंसर्न व्हेन आई एम वॉचिंग अ फिल्म, बट या काइंड ऑफ कहीं ना कहीं स्लाइटली ओवर द एज जाती है. ऑडियंस को एक ही चीज़ कहेंगे हम कि मूवी देखने से अच्छा आप समझ लीजिए, पढ़ लीजिए क्या है एग्जैक्टली, तो अच्छे से आपको समझ जाएगा सिचुएशन. 1.5. फिल्म बहुत ही औसत फिल्म है, मतलब कोई ठीक फिल्म है, बनाई है उसको, मेहनत किया है, बट जो फिल्म का टॉपिक है दैट इज़ नक्सलिज्म, उसको बहुत ही हैवी वे में दिखाया है. इट्स मोर लाइक टेररिज्म, नक्सलिज्म इज़ अ टेररिज्म. सो और बहुत सारी चीज़ों को इतना ज़्यादा एग्जैजरेट किया है दैट मतलब वो ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो गया है. तो बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे वो छू नहीं पाए उस टॉपिक को, बिकॉज नक्सलिज्म इज स्टिल देयर एंड इट नीड्स टू बी सॉल्व, बट उसको सही तरीके से नहीं दिखाया गया है. बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों पे बारीकियाँ दिखानी थी तो वो नहीं दिखाया. तो मुझे फिल्म एक तरह से कहूँ तो बहुत ही औसत फिल्म है. एक्टिंग अच्छी है, हम जैसे जानते हैं आधा तो अच्छी एक्टिंग करती है, सो एक्टिंग अच्छी है, बट अदरवाइज इट्स लाइक डिसेंट.
मिसलीडिंग है, अगेन मिसलीडिंग है, आई डिडंट लाइक द प्लॉट एट ऑल. टू, नॉट मोर देन टू. मेरे को ये फिल्म स्ट्रिक्टली एवरेज लगी. मतलब जब ट्रेलर आया था, फिल्म अनाउंस हुई थी, तो इतनी उम्मीद नहीं थी. मतलब ये जो एक सब्जेक्ट है वो काफ़ी एक लिमिटेड, इस कहानी के लिए एक स्कोप जो है वो लिमिटेड है. जैसे ये डायरेक्टर ने जो केरला स्टोरी फिल्म बनाई थी उसमें कैसे कि एक ज़्यादा एक्सपांडेड स्कोप था कहानी के लिए, काफ़ी सारे चीज़ें थे. लेकिन ये फिल्म में वैसा नहीं है. मतलब ये सिंपल है. पूरी फिल्म जो है एक गांव में, बल्कि पूरे जंगल में सेट है. और जिस हिसाब से कहानी चलती है, जो एग्जीक्यूशन है, डायरेक्शन है, मतलब वो काफ़ी ऑर्डिनरी है. हालांकि अगर आपको याद रहेगा तो प्रकाश झा ने चक्रव्यूह नाम की एक फिल्म बनाई थी जो पूरे इस टॉपिक पे नहीं थी, लेकिन वो चीज़ों ने काफ़ी सारी चीज़ों को मतलब एक साथ एक थाली में लेके आए थे. जैसे कि पॉलिटिक्स हो गया, सोसाइटी की बात हो गई, या सब चीज़ों, गांव वालों की बात हो गई, किसी के हक की बात हो गई, तो सब चीज़ों को एक साथ अच्छे से उन्होंने समेटा था. लेकिन इस फिल्म में ऐसा मतलब लगता नहीं, ऐसा लगता है कि वन वे अफेयर है. कहीं कहीं काफ़ी स्ट्रेच लगती है, लेकिन ओवरऑल मतलब इतना कुछ वाव या इतना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जैसा कुछ है नहीं एक्सपेक्ट करने जैसे. एक्टिंग वाइज जो अदा शर्मा का जो कैरेक्टर है नीरजा माधवन का, मतलब अदा का जो केरला स्टोरी में भी जो एक किरदार था वो एक साउथ इंडियन गर्ल का था, और उनका जो एक्सेंट है वो भी थोड़ा साउथ इंडियन जैसा मतलब लगता है, तो वो उनको जामा था रोल. ये रोल भी उनको जामा है. जिस हिसाब से उन्होंने इंटेंसिटी बताई है, जो एक अग्रेसिवनेस बताई है अपने कैरेक्टर में, जो एक बोल्ड रही है, ब्रेव रही है, तो वो मतलब उनका ठीक ठाक था. बाकी इंदिरा तिवारी की बात करें, मतलब उन्होंने भी अच्छा खासा काम किया है. और बाकी जो सपोर्टिंग कास्ट थी, यशपाल शर्मा जी आपको देखने मिलते हैं, शिल्पा शुक्ला आपको देखने मिलती है, ऐसे कई नॉन फेसेस है जो आपने देखने मिलते हैं. लेकिन ओवरऑल मतलब कास्ट की बात करें तो सबने ठीक ठाक काम किया है. मैं इस फिल्म को दूंगा 2.5 out of 5. बस्तर अगर देखा, अगर एंटरटेनमेंट के नज़रिए से देखा जाए तो इस फिल्म में एंटरटेनमेंट नहीं है. एंटरटेनमेंट है ही नहीं, क्योंकि एंटरटेनमेंट क्या होता, हीरो होते, हीरोइन होते, आइटम नंबर होता, डांस होता, गाना होता, तो एंटरटेनमेंट होता. अगर ये फिल्म एक मैसेज है, एक हमारे देशवासियों को एक ऐसे समस्या से अवगत कराने का प्रयास है कि जो अपने देश के अंदर की ही समस्या है. हमारे देश के जो जवान हैं बाहरी दुश्मनों से तो लड़ते ही हैं, आतंकवादियों से तो लड़ते ही हैं, लेकिन अपने ही देश के में बैठे जिसके नेता लोग, कुछ नेता लोग अपने राजनीतिक लाभ के लिए बोलते हैं कि वो भटके हुए नौजवान हैं, उनको मुख्य धारा में लाया जाए, लेकिन वो बातें सिर्फ एसी कमरे में बैठ के करते हैं. उनको सामने जाके हिम्मत नहीं होती कि सुधर जाओ या ये हो जाओ, और उसका नतीजा भुगतता है हमारे देश के मासूम नागरिक, हमारे देश के पुलिस. तो मेरा सभी देशवासियों से ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इतना ही कहूँगा कि ये मूवी ज़रूर देखें और फिल्म मेकर के प्रयास को सार्थक करें, और ताकि उन्होंने बहुत बड़ी हिम्मत की है, और वो जो हिम्मत किया है सब कोई नहीं कर सकता, क्योंकि सब लोग एक रिस्क भी लिया है, क्योंकि पब्लिक को एंटरटेनमेंट नहीं हुआ तो फिल्म नहीं देखेगा, तो पैसे भी. लेकिन ये रिस्क लिया है, तो सारे देशवासियों से कहूँगा कि फिल्म देखें और फिल्म मेकर के प्रयास को सार्थक करें. और रेटिंग से बात करें तो क्या रेटिंग दें, मैं पहले ही कहा कि इसमें एंटरटेनमेंट नहीं है हम, लेकिन हाँ मैसेज मिला. तो अगर फिल्म का टेक्निकल देखा जाए, गीत संगीत देखा जाए, तो 4.5 स्टार दे सकते हैं. ओके.